नमस्कार दोस्तों, आप सबका कानपा एजुकेशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपने इस लेक्चर में हम यूपीएससी मेंस सॉल्यूशंस 2019 सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 8 को एनालाइज करेंगे। और दोस्तों, हमारा जो ये क्वेश्चन है वो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है। देन लेट्स बिगिन आवर टॉपिक ऑफ टूडे। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर कहा जा रहा है कि द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम्स यूजुअली सफर इन टर्म्स ऑफ सर्टन वाइटल फैक्टर्स, आइडेंटिफाई दीज फैक्टर्स एंड सजेस्ट मेजर्स फॉर देयर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पर दोस्तों ये कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी हमारे प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स हैं, उनको एक हद तक उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो पाता। हमें उन्हीं फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है जिसके कारण इनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो पाता। बस हमें यही काम करना है और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। तो काफ़ी क्वेश्चन सिंपल है, इसमें कोई भी डायरेक्टिव वर्ड नहीं है। सिंपल यहाँ पर आप एक तरीके से फैक्टर को आइडेंटिफाई कर दीजिए और उसको सजेस्ट करने के मीज़र बता दीजिए। यहाँ पर दोस्तों सिर्फ हम आपको ये बताएंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से हमारा जो है डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो पाता। उसके बाद से दोस्तों उसको ठीक करने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट की, आप उसे मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि भारत नेट है, इसरो जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है, उसको हमने कई दूसरे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में कवर किया है, जो आपको आई बटन में इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में मिल जाएगा। अगर दोस्तों आप यूपीएससी सिलेबस देखेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर 2 का, तो यहाँ पर दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जैसे कि इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ई गवर्नेंस एप्लीकेशंस मॉडल्स सक्सेसेस लिमिटेशंस एंड पोटेंशियल सिटीजन चार्टर्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स। दोस्तों हमारा जो ये क्वेश्चन है इसी सेक्शन से रिलेटेड है। दोस्तों हमने ऑलरेडी अपने कई सारी वीडियोज़ में इस बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि हमें एक फास्ट इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, यानी आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। उन सारे वीडियोज़ को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन वीडियोज़ को डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक करके उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। यहाँ पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे जिसके कारण हमारा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, जो कि वो उन वीडियोज़ में नहीं है, वो स्पेशली यहाँ पर हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों रीज़न ये है कि हमारे देश का जो आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना एक तरीके से अभी सफिशियंट नहीं बन पाया है। हमारे जो इंटरनेट है उसकी स्पीड काफ़ी कम है और इसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक हमारा जो है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी चीज़ सक्सेसफुल नहीं होने वाली। उसके अलावा दोस्तों जो डिजिटल डिवाइड है वो काफ़ी ज़्यादा है हमारे देश में। डिजिटल लिटरेसी जो है मोस्टली जो है एक तरीके से अर्बन एरियाज़ में ही जो है वो वहीं तक लिमिटेड है, और अभी जो कई सारे रूरल रीजन है, टायर 2 टायर 3 सिटीज़ हैं, वहाँ तक डिजिटल एजुकेशन नहीं पहुँच पाया है। तो वहाँ पर दोस्तों एक्चुअली में पहुँचाने की ज़रूरत है, तब जाकर ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो सकते हैं। एक दोस्तों हमारा आ जाता है लैंग्वेज बैरियर की प्रॉब्लम। हमारे देश में दोस्तों इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोली जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, उनकी भी आबादी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट जो सोसाइटी का सेक्शन है वो पीछे छूट जाता है लैंग्वेज बैरियर की वजह से। अगर दोस्तों हमने यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर का समाधान कर लिया, लोकल लैंग्वेज को ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके से जगह देकर आईसीटी के प्लेटफॉर्म्स पर, तो इस समस्या का हम समाधान कर सकते हैं। तो यही दोस्तों तीन इम्पॉर्टेंट रीज़न। और दोस्तों आपको अगर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और जानकारी चाहिए तो हमने डिजिटल इंडिया नाम की एक इम्पॉर्टेंट प्लेलिस्ट बना दी है, आप उसको देख लीजिएगा, या फिर हम डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस तो देने ही वाले हैं। तो दोस्तों अब यह है हमारी इस लेक्चर का एंड। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फेसबुक व्हाट्सएप या जहाँ आप चाहें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।